Let us do integration of root cos 2x upon sin x. So इसको integrate करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, numerator के अंदर जो root cos 2x है इसको हम लिखेंगे 1 minus 2 sin square x, and denominator में जो sin x है इसे हम लिख सकते हैं root of sin square x dx. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे कंबाइंड रूट अप्लाई कर दिया जाए, इकट्ठा रूट अगर हम लिखते हैं तो ये टर्म हमारे पास बनेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स. नाउ रूट के अंदर जो टर्म है न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए. So it will be 1 upon sin square x minus 2 sin square x upon sin x whole under root dx. This is equal to, now 1 upon sin square x is cosecant square x. So it is cosecant square x minus, ये साइन स्क्वेयर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट इज ओनली 2 dx, राइट. अब इसे हम रैशनलाइज कर देंगे बाय द सेम टर्म. कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 2 dx, which is equal to, न्यूमरेटर में दोनों रूट की एक जैसी टर्म है सो रूट खत्म हो जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में जो टर्म है वह एज इट इज रहेगी, रूट ऑफ कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 2 डी एक्स. नाउ न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड करना है, कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 2 डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 2 इंटू डीएक्स. Now, complete integration, दो integration में split हो गया. This implies I is equal to, first part को हम I1 suppose कर लेते हैं and second part को I2 suppose कर लेते हैं. I is equal to I1 plus I2, where this part is I1 and this part is I2, right? So first of all, we will integrate I1. Now, I1 is equal to integration of cosecant square x upon cosecant square x minus 2 dx, which is equal to, डिनोमिनेटर में जो कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स है इसको चेंज करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स में, सो इट विल बिकम कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स डीएक्स अपॉन कोसेकेंट स्क्वेयर को अगर चेंज किया जाए 1 प्लस कॉट स्क्वेयर, सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉट स्क्वेयर एक्स माइनस 1, क्योंकि एक माइनस यहां का कैंसिल हो जाएगा, राइट डीएक्स. नाउ हम पुट करेंगे, पुटिंग कॉट एक्स इज इक्वल टू 2, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स डीएक्स विच इज इक्वल टू डी टी. देयरफॉर आई वन कैन बी रिटन एज, आई वन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 1,
इस वन को हम लिख सकते हैं वन स्क्वेयर, राइट। सो इट्स इंटीग्रेशन, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर इज लाइक अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस, सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस वन प्लस सी, राइट। नाउ टी की वैल्यू पुट करनी है, व्हाट इज टी, टी हमने क्या पुट किया था, कॉट एक्स, सो इट इज माइनस ऑफ लॉग कॉट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वेयर एक्स माइनस वन प्लस सी वन। यहां पर आपका आई वन पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम आई टू को देखते हैं। आई टू हमारा इंटीग्रेशन क्या था, दिस 2 अपॉन कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस टू। सो नाउ आई टू इज टू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस टू डी एक्स। इसे हम चेंज करेंगे, 2 को तो हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को लिखना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इनटू डीएक्स, राइट। यहां पर अगर साइन स्क्वायर एक्स को एलसीएम लिया जाए डिनोमिनेटर में, देन इट विल बी 1 माइनस 2 sin square x, right? Denominator में जो sin square x है LCM, ये root से बाहर आएगा, sin x हो जाएगा, ये यहाँ पर मैंने LCM लिया है, this is equal to, इसको अगर, इस term को मैं आगे लिख देता हूँ, this is equal to 2, 1 upon, यहाँ पर LCM लेना है, so it will be 1 minus 2 sin square x upon sin square x. Denominator में जो sin square x है ये root से बाहर आके sin x हो जाएगा और कहां पर shift हो जाएगा, numerator में. So this is 2 sin x upon under root of 1 minus 2 sin square x dx, करेक्ट। नाउ इस sin square x को आपको चेंज करना होगा 1 माइनस cos x में, सो दिस इज इक्वल टू 2 sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 sin square x को हम लिखेंगे 1 माइनस cos square x, राइट। सो इट विल बिकम 1 माइनस 2 प्लस 2 cos square x, 2 ऑफ cos square x विच विल बी 2 cos square x, 2 cos square x माइनस 1, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, 2 cos square x माइनस 1 इंटू dx, राइट। नाउ यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, सो 2 अगर कॉमन लेंगे तो इट विल बी 1 बाय रूट 2 साइन एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 बाय 2, एंड इस 1 बाय 2 को लिखेंगे 1 बाय रूट 2 होल स्क्वेयर dx, यहां पर हम पुट करेंगे cos square x, यहां पर हम पुट करेंगे cos x is equal to, cos x is equal to t, so minus of sin x dx is equal to dt,
सो दिस विल बी माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स के जगह हमें क्या लिखना है माइनस डी टी, सो माइनस ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज टी स्क्वेयर माइनस 1 बाय रूट 2 होल स्क्वेयर। अगेन ये उसी टाइप की एक टर्म बन गई हमारे पास डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सो दिस इज माइनस ऑफ 2 इंटू, यहां पर डिनोमिनेटर में रूट 2 था, ये दोनों कैंसिल होके यहां पर बाकी क्या बचेगा ओनली रूट 2, सो माइनस रूट 2 एंड दिस विल बी लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी माइनस 1 बाय रूट 2। सो आप इसको टी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ही लिख दीजिए, सो इट इज 1 बाय 2 प्लस सी, सी हम पहले लिख चुके हैं इसलिए इसको क्या लिखते हैं सी टू, करेक्ट। नाउ टी की अगर वापस वैल्यू पुट की जाए देन आई टू विल बी आई टू इज इक्वल टू माइनस रूट टू लॉग ऑफ टी, हमने क्या पुट किया था कॉस एक्स को टी पुट किया था इसलिए वापस टी के जगह कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस दिस इज टी स्क्वेयर दैट इज कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 बाय 2 प्लस सी टू। इस टर्म को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए देन आई टू विल बी माइनस रूट टू लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस, अगर एलसीएम हम यहां लेते हैं इट विल बी 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। प्लस सी टू अपॉन रूट टू, या आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन आई क्या होगा आई विल बी आई वन प्लस आई टू, सो आई वन आई टू की जो वैल्यूज आई थी वो यहां पर हम पुट कर सकते हैं।